अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करता हूं उस मंच पर जहां हर रोज कामयाबी का जश्न मनाया जाता है और जिसका नाम है सप्तकोटि महासम्मान। कौन बनेगा महाकरोड़पति? सप्तकोटि महासम्मान। देवियों सज्जनों, क्या 7 करोड़ रुपए जीतना इतना मुश्किल काम है? जी हाँ, मुश्किल तो है लेकिन असंभव नहीं। अब यदि मुश्किल है तो क्या मुश्किल है, कहाँ है मुश्किल? हमारे खिलाड़ियों के पास ज्ञान है, आत्मविश्वास है, लाइफलाइंस की सहायता है, सबकी शुभकामनाएं और प्यार है, तो फिर और क्या चाहिए आपको? मैं बताता हूँ, इन सब के साथ आपको चाहिए फोकस, यानी लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित होना। इस खेल में हमने अक्सर देखा है कि लक्ष्य के करीब पहुंचते पहुंचते खिलाड़ियों का ध्यान भटक जाता है, वो हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देते हैं और एक छोटी सी गलती से सारे किए किराए पर पानी फिर जाता है। इसलिए जरूरी है कि इस हॉट सीट पर बैठकर अपना उद्देश्य स्थिर रखा जाए, लक्ष्य निश्चित किया जाए और अर्जुन की तरह अपना निशाना अपने लक्ष्य पर साध दिया जाए। उसके बाद सप्तकोटि क्या, जीवन की किसी भी उपलब्धि पर विजय परचम आपके नाम का ही होगा। क्या अमन, आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं? यस सर, बिल्कुल। फोकस रखना बहुत आवश्यक हो गया है। 21 वर्ष की उम्र है इनकी, अमन अरोड़ा इनका नाम है। 12,50,000 रुपए ये जीत चुके हैं। जी हाँ, और एक और अच्छी बात यह है कि 3 लाइफलाइंस अभी भी बाकी है इनकी। आज क्या इनका लक्ष्य और इनका फोकस इन्हें सप्तकोटि महासम्मान दिलाएगा, ये तो समय और आगे का खेल ही बताएगा। अमन, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खेल में। आपके साथ यहाँ पर आपकी माताश्री आई हुई है, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका। और साथ में आपके चाचा और चाची भी आए हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का एक बार फिर हमारे इस कार्यक्रम में। ठीक है अमन, अब शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले, लेडीज एंड जेंटलमैन, कौन बनेगा महाकरोड़पति। और हमारे जितने भी दर्शक हैं, आप भी हमारे साथ खेल सकते हैं। SMS कीजिए PLAY और भेज दीजिए 52525 पर और आप हमारे साथ ये खेल खेल सकते हैं, या www.kbcsony.com पर भी आप हमारे साथ इस खेल को खेल सकते हैं। अमन, जैसा कि हमने बताया 12,50,000 रुपए आप जीत गए, तो आज के इस खेल का पहला प्रश्न देवियों और सज्जनों वो है 10वां प्रश्न, और इसके लिए अमन अरोड़ा को मिल सकते हैं, यदि उन्होंने सही उत्तर दिया, 25,00,000 रुपए। तैयार है अमन? यस सर। ओके, आज के इस खेल का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसका नाम कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की एक नदी के नाम पर पड़ा है? ऑप्शन सुनिए, ए चिकनगुनिया वायरस, बी लैसा फीवर, सी इबोला वायरस, या डी सेल्मोनेला बैक्टीरिया। ये अलग अलग तरह के वायरस और बुखार और बैक्टीरिया हैं, लेकिन इनमें से एक जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के एक नदी के नाम पर है। ये जो ABCD ऑप्शंस हैं, इनके बारे में सुना है आपने? मुझे जहां तक लगता है इसका सी होगा, इबोला वायरस। शोर होना चाहिए, शोर है या नहीं? शोर है, इबोला वायरस। शोर है? यस सर। फाइनल उत्तर बताइए। सर सी, इबोला वायरस। कमिला महाशय, इबोला वायरस सी, ताला लगाया जाए। बहुत धीमे स्वर में आपने कहा इबोला वायरस, क्या वजह थी इसकी? संदेह था आपके मन में? संदेह नहीं था सर, ये भी वही अब कहीं पेपर में आया था कि
जब इसकी हिस्ट्री जैसे थी इबोला वायरस की, तो वहीं पे गुआना से स्टार्ट हुआ था, तो वहीं पे उसकी जो रिवर है मे भी उससे नाम इसका पड़ा। 25 लाख जीत गया। वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेल प्लेड। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत सम्मानित तरीके से आपको मैं ये 25 लाख रुपए का चेक दे रहा हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको, ये भी चेक में यहाँ रख रहा हूँ। वाह क्या बात है अमन। फर्स्ट इमर्ज्ड इन द ईयर 1976 इन अ विलेज नियर द इबोला रिवर इन ज़ाइरे, नाउ इट्स कॉल्ड द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ज़ाइर। इबोला विच कॉजेज हेमरेजिक फीवर, हेमरेज हो जाता है उससे बुखार जो होता है, इज ऑलमोस्ट ऑलवेज फेटल। इबोला, बिल्कुल सही कहा आपने, और जैसा कि आपने अखबारों में पढ़ा होगा आजकल बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर एक डेडली डिजीज, ये प्लेग फैला हुआ है। इबोला, बहुत ही सुंदर उत्तर दिया आपने अमन, कैसे आपने अनुमान लगाया? सर जो अफ्रीका था, मतलब जैसे अभी काफ़ी न्यूज़ में भी था, तो मैंने इस पर मतलब देखा था, नेट पर भी काफ़ी इसका पढ़ा था आखिर क्या होता है, तो उसी से थोड़ा अनुमान था कि यही होगा। बहुत खूब, बहुत सुंदर उत्तर आपका अमन, आप 25 लाख रुपये जीत गए हैं। अब आ रहा है 11वां प्रश्न और इसका मूल्य है 50 लाख रुपए। बहुत कम लोग हैं जो यहाँ तक पहुँचते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप जितनी होशियारी से अब तक खेलते आए हैं उतनी ही होशियारी से खेलिएगा अमन। एक ही लाइफलाइन आपकी अभी गई है, 3 अभी भी बाकी है, और 11वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ अमन। 50 लाख रुपये, 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इनमें से कौन अख्तर पिया के नाम से लिखा करते थे? ए बेगम अख्तर, बी वाजिद अली शाह, सी अमीर खुसरो, या डी बहादुर शाह जफर। अख्तर पिया के नाम से कौन इनमें से लिखा करते थे? पढ़ा है मैंने। बेगम अख्तर, वाजिद अली शाह, अमीर खुसरो या बहादुर शाह जफर। 25 लाख रुपए आप जीत रहे हैं, सही उत्तर आपको देंगे 50, गलत नीचे ले आएंगे 3-20 पर। क्या करना चाह रहे हैं आप? I will use the lifeline. एक lifeline इस्तेमाल करना चाहेंगे? Phone a friend. Phone a friend. Okay. कबीर जी, अमन अपनी एक और lifeline इस्तेमाल करेंगे phone a friend की, उसे अंकित किया जाए और जो 3 नाम इन्होंने दिए हैं छवि के साथ इनको दिखाया जाए। किन से बात कीजिएगा? मैं अभिनीत अरोड़ा को फोन। अभिनीत अरोड़ा, ये आपके बड़े भाई साहब हैं जिनके बारे में चर्चा की थी आपने? Yes, sir. Okay. कबीर महाशय, अभिनीत अरोड़ा बेंगलुरु में है, इनको फोन लगाया जाए। अभिनीत अरोरा बोल रहे हैं जी? जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा महाकरोड़पति से? ओह माय गॉड। हेलो अमिताभ सर। जी नमस्कार, क्या हाल है अभिनीत आपके? बस बढ़िया है, आप बताइए। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, आपको सुनकर बड़ी खुशी होगी कि आपके छोटे भाई साहब, जी बिल्कुल जी, वो मेरे सामने हॉट सीट पर विराजमान है। अच्छा जी। और आपकी मदद मांग रहे हैं क्योंकि एक प्रश्न का उत्तर ये नहीं दे पा रहे। तो अभी अभिनीत, आपको अमन एक प्रश्न पढ़कर सुनाएंगे और उसके 4 ऑप्शन हैं, आपको बताना है कि सही क्या है 30 सेकंड के अंदर केवल, और बड़ी जल्दी निकल जाते हैं ये। जी बिल्कुल। अभिनीत तैयार हो जाइए, एकदम शांत हो जाइए और तैयार हो जाइए। अमन की आवाज आएगी आपके पास, उसमें प्रश्न होगा और ऑप्शन होंगे। अमन आपका समय शुरू होता है अब। हेलो अख्तर पिया, अख्तर पिया, AKSTARPIYA, अख्तर पिया किसका पेन नेम है? बेगम अख्तर, आमिर खुसरो, वाजिद अली शाह और बहादुर शाह जफर। अख्तर पिया, जावेद अख्तर है वैसे, अख्तर AKSTAR एंड पिया PIYA, अख्तर पिया ये किसका पेन नेम है? अख्तर पिया। हाँ अख्तर पिया, जल्दी 5 seconds। फोर्थ, एक बार और फिर से बोलो।
तुरंत अगर इसका उत्तर ना मालूम हो फोन करने वाले को, समय निकल जाता है। अमन, दो लाइफलाइन अब बाकी बची हैं, ऑडियंस पोल और डबल डिप। कठिन समस्या है आपकी। यस सर। आई विल टेक ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहिए। ओके, ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। वोटिंग मीटर अपने हाथ में रखिए और आपका समय शुरू हो गया है अब। अधिकतर जनता 46% कह रही है बी वाजिद अली शाह, ए को मिले हैं 20, सी को मिले हैं 3 और डी को मिला है 31%। सर, आई विल टेक डबल डिप। डबल डिप लेना चाहेंगे। श्योर हैं आप? यस सर। कबीरा महाशय, अमन अपनी आखिरी लाइफलाइन डबल डिप, डबल डुबकी लेना चाह रहे हैं, इसे अंकित किया जाए। अमन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते। yes. आपको उत्तर देना ही होगा। दो अवसर मिलेंगे आपको yes. सही उत्तर देने के लिए। यदि एक गलत हो गया तो उसी जगह पर, उसी प्रश्न पर एक और अवसर मिलेगा आपको उत्तर देने का। अपना पहला उत्तर बताइए। बी, वाजिद अली शाह। कमीरा महाशय, बी वाजिद अली शाह पे ताला लगाया जाए। ये सब के सब पोएट्स थे, शायर थे और कुछों का ताल्लुक लखनऊ के साथ भी रहा है। बेगम अख्तर, आमिर खुसरो, बहादुर शाह जफर, वाजिद अली शाह, आप जनता के अनुमान से आपने नो सर कहीं डबल डिप किया या अपने मन से ही किया? सर शायद ये मेरे अनुमान में भी था, मतलब वहाँ पे एक आर्ट गैलरी है लखनऊ में जी, वहाँ पे शायद वाजिद अली शाह की जो फोटोग्राफ है उसके नीचे कहीं पे, मतलब एक हल्का सा क्लिक रही, शायद वहाँ पे कहीं लिखा हुआ देखा है अख्तर पिया, वहाँ नीचे लिखा बहुत, मतलब उनकी जैसे कुछ हिस्ट्री नहीं होती जैसे उसमें लिखा, तो वहाँ पे शायद कहीं पे लिखा देखा है। सही उत्तर 50 लाख, गलत 3-20। पचास लाख। वेल प्लेड। क्या बात है अमन अरोड़ा, अनबिलीवेबल है ये जिस तरह से आप खेल रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको, 50 लाख रुपए। तो वाजिद अली शाह 19वीं सदी में अवध के नवाब थे। yes, और वो महान कलाकार होने के साथ साथ कलाकारों के संरक्षक भी थे वो, और इन्होंने कई बेहतरीन ठुमरियाँ रची जैसे कि बाबुल मोरा मैहर छूटो जाए, सुना होगा आपने। yes, बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। अब आपको मैं बता दूं अमन कि अगला प्रश्न है 1 करोड़ रुपए का। yes. और कोड रेड जो है वो अब लागू हो गया है और ये एक ही बार सिर्फ हो सकता है और तभी होता है जब चारों लाइफलाइंस कंटेस्टेंट की इस्तेमाल की जा चुकी है। yes. अमन अरोड़ा जी, 12वां प्रश्न है इस खेल का। 12वां प्रश्न, 1 करोड़ रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। किस उद्योगपति के या किस उद्योगपति ने मैसूर स्टेट के साथ मिलकर हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड की स्थापना की थी? ऑप्शंस, ए सर नेस वाडिया, बी JRD टाटा, सी लाला कैलाशपत सिंघानिया या डी सेठ वालचंद हीरा चंद दुर्जी।
सही उत्तर आपको दे सकते हैं 1 करोड़ रुपए, गलत आपको नीचे गिरा देंगे 320 पर। जीआरडी टाटा इंडिया के पहले पायलट माने जाते हैं जी। हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड। आपके चाचा जी ने कोड रेड दबा दिया है और यह संकेत दिया है कि आप क्विट कर जाएं। आपको निर्णय लेना है कि आप आगे खेलेंगे या नहीं। सर, आई विल क्विट। यू विल क्विट। कंप्यूटर महाशय, अमन गेम क्विट करेंगे, कोड रेड को डीएक्टिवेट कर दिया जाए। अमन, आपको हम अनुमति देते हैं कि आप गेम क्विट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तालियों के साथ इनका अभिनंदन। चाचा जी, आपने कोड रेड दबाया क्यों? हमने सर सोचा भागते भूत की लंगोटी सही जो मिल जाए लेके चलो, नहीं तो ये भी चली जाएगी। लेकिन हो सकता था ये 1 करोड़ रुपए जीत जाते। सर, हो तो सकता था, मगर आपको लगा कि खतरों से खेलने का शौक अब नहीं रहा। जी क्या लग रहा था आपको? मैं आपसे कहूंगा गेस करने को। सर, बी के साथ जाता। आप बी के साथ जाते। कंप्यूटर महाशय, बी जेआरडी टाटा पे ताला लगाइए। ये गलत उत्तर होता। सही उत्तर है डी, सेठ वालचंद हीराचंद दोषी। इन्होंने इसकी स्थापना की थी और बैंगलोर में, ये एस्टैब्लिश्ड इन 1940 इन बैंगलोर। हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड लेटर बिकेम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हैल जिसको कहा जाता है, HAL। ये इंडियाज़ प्रीमियर एरोस्पेस कंपनी स्पेशलाइजिंग इन मैन्युफैक्चरिंग एयरक्राफ्ट फॉर डिफेंस एंड ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड इंडियाज़ फर्स्ट कार फैक्ट्री एंड फर्स्ट मॉडर्न शिपयार्ड, HAL। ओके, तो बहुत बहुत बधाई आपको अमन, और एक बार फिर जोरदार थालियों के साथ इनका अभिनंदन। 50 लाख रुपए जीते हुए। वेल प्लेड अमन। हाँ बिल्कुल, ले जाओ सर। 50 पैसे सर। बहुत बहुत बढ़िया, वेल प्लेड। थैंक यू सर। कम, बिग हैंड फॉर अमन। अमन अरोरा, देवियों सज्जनों, 21 वर्षीय एक स्टूडेंट लखनऊ उत्तर प्रदेश से आए और 50 लाख रुपए जीत करके गए यहाँ से। अब देखते हैं हमारे बाकी कंटेस्टेंट जो हैं, इनमें से कौन हमारे साथ यहाँ विराजमान होगा हॉट सीट पर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे आपके साथ। तैयार हो जाइए कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट प्रश्न है ये आपके सामने। इन शहरों को कन्याकुमारी से इनकी दूरी के अनुसार बढ़ते क्रम में रखें, यानी जो सबसे नजदीक है कन्याकुमारी के वो आपको पहले रखना है। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए चेन्नई, बी भुवनेश्वर, सी हैदराबाद, डी कोलकाता। हो गया समय समाप्त। अब देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। कंप्यूटर जी हमें बताएंगे। सबसे पहले है ए चेन्नई, उसके बाद आता है सी हैदराबाद, फिर आता है बी भुवनेश्वर और अंत में डी कोलकाता। ए सी बी डी। कंप्यूटर जी बताइए हमें कि किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। केवल 2 ने, और सबसे तेज अंजू खुलते। बहुत बहुत बधाई आपको अंजू जी। बस 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 बस, ये मत किया कीजिए, आइए हमारे आप चलते हैं वहां। तो जैसा कि आप देख रहे हैं देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गई हैं गांव ठठारी, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ से, और जिनका नाम है अंजू खुटे। अंजू जी की ख्वाहिश है कि ये जो भी खाना खाएं खूब खाएं, लेकिन इनका वजन ना बढ़े। खाने के शौकीन हैं आप जी, क्या अच्छा लगता है आपको खाने में? सर, नॉर्मल, जो भी अच्छा चीज है। नॉर्मल क्या होता है?
सर किसी भी चीज को मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, यानी कि भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं खा लेती हूँ। भूख को आप बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं और खा लेती हैं, और उसके बावजूद आप चाहते हैं कि आपका वजन ना बढ़े। जी सर। देखिए देवी जी, जी सर, कुछ ऐसे कीजिए कि जब भी आपको भूख लगे, जैसे तश्तरी ऐसे सामने आए आपके, एक छोटी सी एक्सरसाइज होती है, कसरत होती है, उसको यदि आप कर लें तो आप दुबली पतली ही रहिएगा। तो जैसे ही खाना आए आपके सामने, दोनों हाथ जो है वैसे टेबल पे रखिए और जोर से धक्का दीजिए। मसल भी बनता है और तस्तरी दूर चली जाती है, आपको खाने को मिलेगा नहीं, लेकिन आप दुबली पतली रहिएगा। ओके, आपके साथ आपके साथी गण आए हुए हैं, पतिदेव हैं, राजेंद्र कुमार जी बर्मन, प्रणाम करता हूं सर आपको। सर नमस्कार। और आपके माता पिता भी यहां पर आज आए हुए हैं, नमस्कार आपका और बहुत बहुत स्वागत आपका। अंजू जी, रूल्स तो आपको पता है, बहुत जल्दी आपको बता दूं, 14 प्रश्नों का सही उत्तर दीजिए, 7 करोड़ रुपए जीत जाइए, 2 पड़ाव हैं 10,000 और 7वें प्रश्न 3,20,000 पे, कहीं फंस जाए तो 4 लाइफलाइन है, ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, डबल डिप और त्रिगुणी हमारी यहाँ पर विराजमान है। सुमेन सिंह जी राठौड़ हैं, ये BSF में इंस्पेक्टर रहे हैं और इन्होंने एक प्रण लिया था यहाँ से कि एक पाठशाला खोलेंगे, लेकिन पाठशाला नहीं, बहुत बड़ा विद्यालय इन्होंने खोल लिया है। द्वैता दत्त जी हैं, ये क्विज चैंपियन रह चुकी हैं और वेलम गर्ल्स स्कूल की वाइस प्रिंसिपल। और वनराज सिंह चावड़ा जी हैं गुजरात से, ये MA हिस्ट्री में ये गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और यहाँ से 25 लाख रुपये जीत करके गए थे। तो आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत और तालियों के साथ आपका अभिनंदन। चलिए अंजू जी, शुभारंभ करते हैं अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन, कौन बनेगा महाकरोड़पति। पहला प्रश्न, 5,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इनमें से किसका अर्थ म्यूजियम होता है? ऑप्शन सुनिए, ए गिरजाघर, बी अजायब घर, सी चिड़ियाघर या डी घंटाघर। बी सर। बी अजायब घर। श्योर है? जी। लगा दे ताला। जी सर। चलिए बी को ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही उत्तर आपका, 5,000 आपके घर में आ गए। गिरजाघर जो है वो चर्च को बोलते हैं। जी सर। और चिड़ियाघर जू, पशु पक्षी, और घंटाघर क्लॉक टावर। जी। अगला प्रश्न आ रहा है खेल का। सर एक करना था, जैसे छत्तीसगढ़ है सर, वहाँ पर हम लोग सतनामी समाज से आते हैं। सतनामी समाज। जी, एक्चुअल में अनुसूचित जाति के अंतर्गत एक छोटा सा सतनामी समाज है सर। तो सर उसमें 80% से ऊपर लोग पलायन करते हैं सर, आजकल भूमिहीन मजदूर हैं पूरे सर। हमारे में 10th जो क्लास होता है सर, वो औसत साक्षरता बोल सकते हो सर हमारे समाज का। ओ। और महिलाओं में तो 8वीं पास ही बोल सकते हैं, और उसमें आप बोल सकते हैं सर कि मैं अपने ए वगैरह में पहली ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पहली जॉब महिला, ऐसे टाइप की आती हूँ सर। ओहो, हर बार कोई एक आपने उपाधि प्राप्त कर ली। जी सर। ओके अंजू जी, आपकी बहुत सारी उपलब्धियाँ हैं और आपकी ये जो मीठी वाणी और सरल स्वरूप है इनका, इसके अलावा इनका एक और रूप है जिसके बारे में हम सुनते ही बहुत घबरा गए, वो क्या रूप है? अब हम चाहते हैं कि पूरे जितने भी यहाँ जनता जनार्दन है बैठी है वो देखे। आइए देखिए इनका दूसरा रूप। मैं पिछले 1 साल से सेल्फ टैक्स इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत हूँ, और जान पहचान के लोग को जब पता चलता है कि मैं एक सेल टैक्स इंस्पेक्टर हूँ तो वो मुझसे खुल के बात करने से घबरा जाते हैं, शायद उनको लगता है कि मैं उनसे भी टैक्स वसूली कर लूँगी। जो डिफाल्टर होते हैं वो टैक्स पे नहीं करते, वहाँ हम पर्सनली जाके वहाँ वो टैक्स वसूलते हैं, और मुझे बुरा तब लगता है जब डिफाल्टर के पास टैक्स पे करने के लिए पैसे नहीं होते हैं लेकिन वो टैक्स से बचने के लिए हमें रिश्वत देने की कोशिश करते हैं। मैंने आज तक ज़िंदगी में एक पैसे की भी रिश्वत नहीं ली है, मुझे ईमानदारी से काम करना और जीना पसंद है। मैंने पढ़ाई की लोन लेके, मैंने जॉब की तैयारी भी लोन लेके की हूँ, और हमारी गृहस्थी भी लोन से चलती है। अब मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी का भी ज़िंदगी लोन पे निर्भर रहे। हॉट सीट से जीते हुए पैसे से मैं अपना लोन चुकता करूँगी, पर पहले टैक्स भरूँगी।
पहले तो आपने बताया आप सेल्स टैक्स कमिश्नर हैं, तो हम सब डर गए। इंस्पेक्टर सर, वहाँ दुकान के सामने जब आप जाती हैं किसी से वसूली करने, तो वो आपको तो कमिश्नर ही समझेगा, इंस्पेक्टर थोड़ी ना समझेगा। क्योंकि सर, आप उससे आपकी पर्सनालिटी से नहीं, हमारी पर्सनालिटी नहीं, हमारी पर्सनालिटी कुछ नहीं है, आपके सामने हम कुछ नहीं है। टैक्स के मामले में, इन सब मामलों में बड़ी घबराहट होती है, पता नहीं क्या बोल दें आप, है कि नहीं। अंजू जी, जी सर, मैं घबरा तो रहा हूँ आपसे क्योंकि आप सेल्स इंस्पेक्टर हैं, लेकिन सर, अगला प्रश्न भी आपसे पूछना पड़ेगा और अगला प्रश्न आपको दे सकता है 10,000 रुपए, तैयार हो जाइए। दूसरा प्रश्न है ये, 10,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगर मुंबई में सुबह सुबह सूर्य की तरफ अपना चेहरा करके कोई खड़ा है तो उसकी छाया किस दिशा में बनेगी? ऑप्शन सुनिए, ए ईस्ट, बी वेस्ट, सी नॉर्थ, या डी साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण। सर लाइफ लाइन लेना चाहते हैं। शांत हो जाए टिकटॉक जी, लाइफ लाइन लेंगी आप? अच्छा, कौन सी लाइफ लाइन? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे, चलिए ऑडियंस, वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है, आप वोट कीजिए। चौरासी % जनता कह रही है कि वो बी है वेस्ट, पश्चिम। आपका क्या ख्याल है? सर जनता के साथ जाना चाहूंगा। आप जनता के साथ जाएंगी, क्या करें? लॉक कर दीजिए सर। कंप्यूटर महाशय, वेस्ट बी या पश्चिम बी को ताला लगाया जाए? जनता बिल्कुल सही है, बधाई आपको। आपको पता है कि सूर्योदय या सूरज किस तरफ से निकलता है? कहाँ से? पूरब से। पूरब से निकलता है, तो यदि उसके सामने आप खड़े होएगी तो आपका छाया किधर पड़ेगा? इधर बगल में तो पड़ेगा नहीं, आपके पीछे ही पड़ेगा ना। सर अगल बगल या पीछे कहाँ पर पड़ेगा उसी पे कंफ्यूज थी मैं। ऐसे कैसे कंफ्यूज हो सकते हैं आप? सूर्य देवता तो सामने होते हैं सर, परछाई तो पीछे ही पड़ेगी। सर कभी कभी आगे सामने पीछे भी तो होता है। न जाने कौन से सूर्य की बात कर रही हैं आप, जिसके सामने खड़े होकर के आपके सामने अगल बगल। सर अगल बगल, गजब है ये तो। अंजू जी, सेल्स इंस्पेक्टर हैं आप, ठीक है। ये है 20,000 रुपए का तीसरा प्रश्न, तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कंप्यूटर का इनमें से कौन सा उपकरण बाजार में 2GB, 4GB और 8GB इत्यादि क्षमताओं में उपलब्ध है? और आपके ऑप्शंस हैं ये, ए मॉनिटर, बी हेडफोन, सी माउस, या डी पेन ड्राइव। सर पेन ड्राइव। डी पेन ड्राइव, श्योर है? ताला लगाने लाए, ओके, पेन ड्राइव डी पे ताला लगाया जाए। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका, आप जीत गए 20,000 रुपए। पेन ड्राइव इज अनदर नेम फॉर ए USB फ्लैश ड्राइव, और GB स्टैंड्स फॉर गीगाबाइट, गीगाबाइट GB उसको लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म, इज अ मेजर ऑफ कंप्यूटर डेटा स्टोरेज कैपेसिटी। इतना भयंकर है ये सब कुछ, इसको आप अपने दिमाग में रखती हैं, आपको याद है सूर्योदय उधर से होता है, उसकी परछाई किधर पड़ेगी, इतना आप नहीं बोल सकी। सर आपके सामने बैठ के मेरा सब कुछ हो गया। हमारे सामने बैठ करके साया जो है वो उल्टा नहीं होगा। मेरा दिमाग उल्टा हो गया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं उल्टा होगा। ऐसे कैसे आप कह सकते हैं, इतना आपने पेन ड्राइव, USB फ्लैश ड्राइव, गीगाबाइट, इसको हमको भी नहीं मालूम ये क्या होता है। तो बा सूर्य निकला उसका साया इधर। अंजू जी, अगला प्रश्न आ रहा है, यह है चौथा प्रश्न 40,000 रुपए का। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये किस हास्य अभिनेता की आवाज है? आवाज सुनाई जाए कंप्यूटर जी। हेलो, हाँ, अरे अपने पास भुआ पड़ी कोई? एक भुआ कर दो और एक वो अपना जीजा, जीजा ले आओ, पिछली बार वाला जीजा ना भेजना यार, वो रस्ते में कम नहीं पाता, सारा शादी में पैसे ज्यादा लूटता है। जल्दी भेज दो अभी, कभी शादी। सर जी आप बैठिए, अरेंजमेंट हो गया, बैठिए 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 घोड़ी पे।
एक बार और सुनेंगे कि इतना काफी है आपके लिए? काफी है। चेहरे की मुस्कान बता रही कि इतना ही काफी है आपके लिए। ऑप्शन सुनिए, ए राजू श्रीवास्तव, बी जॉनी लीवर, सी कपिल शर्मा, या डी जावेद जाफरी। सी कपिल शर्मा सर। सी कपिल शर्मा, श्योर है? जी सर। ताला लगाने लायक? जी सर। सी पे ताला लगा जाए कंबीरो जी। बिल्कुल सही है आपका उत्तर, 40,000 दीजिएगा। ये कपिल शर्मा जी की आवाज थी सर, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ इनकी। आप बहुत बड़ी फैन है, कौन नहीं है उनका फैन। ये पूछे कॉमेडी सर्कस के सर, जो कि सोनी का जो शो था कॉमेडी सर्कस, वहां से ये क्लिप था कपिल शर्मा जी। और क्या ख्याति इनको मिली है, बहुत ही अद्भुत कलाकार ये। ओके, चार प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, पांचवा आ रहा है, इसके लिए मिलेंगे आपको 80,000 रुपए। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर अंजू जी, ये रहा। इनमें से कौन सा जीव ज्यादातर अंडे देता है, हालांकि इनकी कुछ प्रजातियां बच्चों को भी जन्म देती हैं। और आपके ऑप्शंस हैं ये, ए लिजर्ड्स, बी बैट्स, सी कैंगरूज, डी रैट्स। छिपकली, चमगादड़, कंगारू या चूहे। सर ए छिपकली। ए छिपकली, शोर है? लिजर्ड्स ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर महाशय। बिल्कुल सही उत्तर आपका, 80,000 जीत गए। इतने भयंकर भयंकर प्रश्नों का सही उत्तर दे रही हैं आप, और सूर्य देवता की जब परछाई पड़ती है उसके बारे में आपको कोई ज्ञान नहीं है। मैं बहुत इमोशनल हो रहा हूँ इस समय देवी जी, क्या बताऊं मैं आपके बारे में। बैट्स, कैंगरूज एंड रैट्स गिव बर्थ टू लाइव यंग, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमल्स। ओके, जल्दी से अगला प्रश्न आपके सामने रखते हैं, 1,60,000 रुपए इसका मूल्य है। उत्तर दीजिए छठे प्रश्न के लिए, जो कि अब आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वर्तमान लोकसभा में इनमें से किस राज्य की सभी सीटें भाजपा के पास हैं? ए हरियाणा, बी छत्तीसगढ़, सी हिमाचल प्रदेश, या डी झारखंड। लाइफलाइन। शांत हो जाए टिकटॉक जी, कौन सी लाइफलाइन? त्रिगुणी। त्रिगुणी लाइफलाइन लेना चाहेंगे। ओके, इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और त्रिगुणी की बारी आ गई है, 30 सेकंड मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए, और आपका समय शुरू होता है अब। सी या डी में से कोई एक ऑप्शन है। सी या डी में? सी या डी, हिमाचल या झारखंड में से। आप कुछ बात करना चाहेंगे, 30 सेकंड है उनके पास। ए और बी नहीं है, वो तो मेरे को नहीं पता था, सी और डी में ही कंफ्यूजन था सर। आपको भी यही मुश्किल हो रही थी जी, क्योंकि सर हरियाणा में आप पार्टी ने। आपके ख्याल और उनके ख्याल कुछ मिलते जुलते हैं ऐसा लग रहा है। छत्तीसगढ़ में तो पता है कि एक दो लाइफलाइन और है आपके पास, क्या करना चाहेंगे सर? हिमाचल प्रदेश। आप हिमाचल प्रदेश के साथ जाएंगे, फाइनल उत्तर दीजिए। लाइफलाइन, एक और लाइफलाइन। शांत हो जाएं टिकटॉक जी, अब कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिएगा? डबल डिप करेंगी आप। ओके, डबल डिप लाइफलाइन अंकित की जाए कंप्यूटर महाशय। अंजू जी, अब आप गेम नहीं छोड़ सकती, और ना ही ये जो बची हुई लाइफलाइन है फोन ऑफ फ्रेंड की, इसे इस्तेमाल कर सकती। दो अवसर मिलते हैं आपको, पहला उत्तर बताइए। झारखंड। आप झारखंड के साथ जाएंगे। ओके, डी झारखंड पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी, ये गलत उत्तर है। अब आपके पास एक अवसर और है सर। सी हिमाचल। सी हिमाचल प्रदेश को ताला लगा जाए कंप्यूटर जी, इज द राइट आंसर। 1,60,000 जीत गए। तो हिमाचल प्रदेश आपका बिल्कुल सही उत्तर है। हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीटें बीजेपी ने जीती हैं, छत्तीसगढ़ में 11 सीटें, 10 बीजेपी, 1 कांग्रेस, हरियाणा में 10 सीटें जिसमें 7 बीजेपी थी, 2 INLD लोकदल, 1 कांग्रेस, और झारखंड में 14 सीटें थी जिसमें से 12 बीजेपी ने जीती और 2 JMM ने। ये सही उत्तर है, 1,60,000 रुपये आप जीत गई हैं, बहुत खूब अंजू जी। और आपके जीतते ही यहाँ पर भोपू बच गया है,
तो आज का खेल यही समाप्त करना पड़ेगा मुझे। देवियों सज्जनों, हमारी जो घर बैठे जीतो जैकपॉट प्रतियोगिता है, उसके लिए अब हम घोषित करते हैं आज के विजेता का नाम, और वो नाम है ये, इनका नाम है आर्य राज और ये देवघर से हैं। इनको फोन लगाया जाए। आर्य राज जी। यस सर। देवी जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा माँ करोड़पति से। यस सर, नमस्कार। ये आपका नाम आर्या राज है? यस सर। बहुत सुंदर नाम है आपका ये आर्या, हमने पहली दफे सुना किसी महिला का नाम। यस सर, मेरे डैडी ने रखा था, माँ दुर्गा का नाम है ना, तो इसीलिए। माँ दुर्गा का नाम। आर्या जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप 1,00,000 रुपए जीत गई हैं। हमारे घर बैठे जीतो जैकपॉट जो प्रतियोगिता, उसका सही उत्तर दिया आपने। आर्या जी, आपको मैं बताना चाहूंगा आप कि हमारा एक, जानती हैं आप, कि एक जैकपॉट प्रश्न भी होता है और इसको खेलने से आप बहुत सारी और धनराशि जीत सकती हैं। जी। तो आज का जो जैकपॉट प्रश्न है उसका मूल्य हो गया है 3,00,000 रुपए। आमतौर पर 2,00,000 होता है, लेकिन पिछले बार जिस सज्जन पुरुष ने इसको खेला था वो गलत उत्तर दे दिया, तो ये 3,00,000 हो गया है। आप इसे खेलना चाहेंगे या नहीं? अगर आप खेली जीत गई तो आज आप 4,00,000 रुपए जीत सकती हैं, यानी 3,00,000 जैकपॉट का और 1,00,000 जो अभी आपने जीता है। लेकिन अगर गलत हो गया उत्तर, तो ये 1,00,000 रुपए भी आप खो दीजिएगा, ये सोच लीजिए। कोई बात नहीं सर, आपसे बात हो गई, वो 1,00,000 से कहीं ज्यादा है। आपका आशीर्वाद रहा तो जरूर ये 3,00,000 भी जीत जाऊंगी। तो आप जैकपॉट प्रश्न खेलेंगी? जी। कंप्यूटर महाशय, जैकपॉट प्रश्न पेश किया जाए। पुराणों के अनुसार कामदेव की पत्नी कौन थी? ऑप्शन सुनिए, ए रति, बी मेनका, सी संध्या या डी छाया। सर रति। शोर है? यस सर। ताला लगाने लायक? यस सर। रति, ये पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर आपका, बहुत बहुत बधाई आपको। आर्य राज जी, आज आप घर बैठे बैठे 4,00,000 रुपए जीत गई हैं। एक बार फिर अभिनंदन आर्य राज का। तो देवियों सज्जनों, अब हमारी और आपकी मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए शुभरात्रि, 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 गुड नाइट एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।